मध्य प्रदेश के सीधी कांड में भाजपा की कद्दावर नेत्री और पूर्व मंत्री का ट्वीट सामने आया, जिसमें उन्होंने अपनी ही पार्टी की ओर निशाना साधते हुए ट्वीट किया, कैसी कैसी नौटंकियां हो रही हैं, दारूखोर के पैर धोए जा रहे हैं और लाखों रुपए दिए जा रहे हैं। इस ट्वीट के बाद बवाल मचा और कांग्रेस नेता पूर्व विधायक श्रीकांत दुबे ने कहा, भाजपा का चाल चरित्र ही ऐसा है, भाजपा नेता आदिवासियों के ऊपर पेशाब करते हैं, फिर मुख्यमंत्री अपने नेता के पाप धोते हुए पीड़ित के पैर धोते हैं, वहीं उनकी मंत्री पीड़ित आदिवासी भाई को दारूखोर कहकर आरोपी का सपोर्ट में उतरती हैं। यह आदिवासी का अपमान किया है। पूर्व मंत्री ने वहीं कांग्रेस आदिवासी प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष देवू गौड़ ने भी भाजपा को आड़े हाथों लिया। आज कसम लेने के भले ही हमारे वर्ग के लोगों को दारूखोर कहें, लेकिन एक समय था इनको विधायक और कैबिनेट मंत्री हमारे आदिवासियों के ही वोट से बनती गई और ये एहसान फरामोश प्रवृत्ति की है और ये इनको के पास कोई पद न होने के कारण ये अपनी मानसिक स्थिति खो चुकी है और इनके इस बयान से ये स्पष्ट होता है कि भाजपा की आदिवासियों के प्रति क्या नीति है, वो क्या सोचते हैं, इसमें क्या कहती है पार्टी। इसमें सीधा सीधा ये कि सबसे पहले आप घटनाक्रम देखें तो सीधी जिले के एक भारतीय जनता पार्टी के नेता विधायक प्रदी ने एक हमारे आदिवासी भाई को पेशाब किया, जिसका अपमान किया, बेइज्जती की। रतलाम के औद्योगिक थाना क्षेत्र अंतर्गत